नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ सवालों से शुरुआत। पहला सवाल ये कि क्या OTT प्लेटफॉर्म्स पे फिल्में देखने के लिए अब हमें पैसा देना होगा? जिस तरह से सिनेमा थिएटरों में हम जाते हैं, हमें टिकट कटाना होता है, क्या उसी तरह से अब हमें टिकट लेना होगा? और दूसरा सवाल ये कि क्या भारत में भी पे पर व्यू यानी PPV प्रणाली लागू होने वाली है? दोस्तों, ये दोनों सवाल जो हैं इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और यदि आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट देखते हैं, नई फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो आपको तो ये वीडियो ज़रूर ही देखनी चाहिए। दोस्तों देखिए, अभी तक ये हो रहा है कि कोई भी फिल्म रिलीज़ होती है, अगर वो सीधे OTT पे रिलीज़ होती है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, और हम आसानी से उसे देख सकते हैं यदि हमारे पास सब्सक्रिप्शन है तो। लेकिन अब ये मॉडल थोड़ा सा बदलने वाला है। अगर आपने किसी भी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले भी लिया है, तो भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको नई फिल्में देखने के लिए थोड़ा सा अलग से पैसा देना पड़े, थोड़ा सा अधिक खर्च करना पड़े। और दोस्तों देखिए कि जैसा आपको पता ही है कि 31 जुलाई को सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है, कहिए डिजिटल क्लैश बहुत बड़ा होने वाला है। कई फिल्में आने वाली हैं जिसमें कि G5 पर भी आ रही है, जैसे 30 तारीख को यारा या 31 तारीख को आ रही है शकुंतला देवी अमेजॉन पे, हॉटस्टार पे लूट केस आ रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी फिल्में आप देख पाएंगे। लेकिन 31 तारीख को एक और बड़ा काम होने जा रहा है, कहिए कि एक एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है, एक ट्रायल होने जा रहा है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ सबकी जो निगाह रहने वाली है वो रहने वाली है शेमारो मी की तरफ। शेमारो मी बॉक्स ऑफिस भी एक फिल्म रिलीज कर रहा है 31 तारीख को ही, नाम है माय क्लाइंट्स वाइफ। लेकिन इसमें एक नई बात यह है कि इस फिल्म को देखने के लिए आपको टिकट कटाना पड़ेगा, यानी कि आपको पहले पैसा देना पड़ेगा। ये जो मॉडल है, इसी मॉडल को कहते हैं पे पर व्यू PPV। इसमें अभी देखिए शेमारो ने यह किया है कि आप जब भी उनके ऐप पर जाएंगे, आप इस फिल्म को सेलेक्ट करेंगे, तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप 100 रुपया दें और उसके बाद टिकट आपको मिलेगा। हालांकि बुक माई शो से भी आप इस टिकट को बुक करवा सकते हैं। उसके बाद जब यह फिल्म जारी होगी तो आपको यहां अपना टिकट रिडीम करना होगा और इसकी वैलिडिटी रहेगी 3 दिन, यानी 3 दिनों के दौरान अपने सुविधा के हिसाब से आप इस फिल्म को देख पाएंगे और आप अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे या TV पे कहीं भी इस फिल्म को देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो मार्केट है, मार्केट के जो जानकार लोग हैं, उन सबकी निगाह अब 31 तारीख को लेकर है और शेमारो मी की तरफ से है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरह का रिस्पांस मिलने वाला है, ये जो पे पर व्यू का मॉडल अभी लागू हुआ है, इसको किस तरह से दर्शक एक्सेप्ट करते हैं या फिर इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। PPV मॉडल हालांकि दुनिया के कई देशों में लागू है और यहां बहुत सारे जो कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट वो इस पर जारी होता है, लोग पैसा देकर के देखते भी है। इसकी शुरुआत हालांकि हुई थी स्पोर्ट्स से, रेसलिंग और बॉक्सिंग जैसे जो कुछ इवेंट हुए थे उस पर इनकी शुरुआत हुई थी, लोगों ने पैसा लगा करके देखना शुरू किया था और अब ये बहुत ज़्यादा वाइड हो चुका है। तो दोस्तों देखिए कि अब बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हमें देखने को मिलने वाली है, बहुत सारा अनाउंसमेंट हो चुका है और उसमें OTT प्लेटफॉर्म्स ने पैसा भी बहुत खर्च किया है। लक्ष्मी बॉम्ब के लिए डिज्नी हॉटस्टार ने 130 करोड़ रुपये किए दिए हैं। अजय देवगन की जो फिल्म है भुज, उसके लिए 110 करोड़ रुपये का ऑफर किया गया है। तो अब जो ये OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी इसको अपनी आमदनी का एक जरिया के तौर पे देख रहे हैं। मार्केट के जानकार कहते हैं कि इससे निर्माताओं को भी फायदा होगा। जो छोटी फिल्म के निर्माता हैं वो सीधे OTT पे अपना रिलीज कर सकते हैं अपनी फिल्म को और लोग वहाँ टिकट दे करके वो फिल्म देखेंगे। होता यह है कि अगर किसी भी हफ्ते में सिनेमा थिएटरों में क्लैश हो, 2-3 बड़ी फिल्में आ रही हों, तो फिर छोटी फिल्मों के पिट जाने का चांस रहता है, दर्शक उनकी तरफ जाते नहीं हैं। तो अब ऐसे में वो OTT पे रिलीज़ कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो फिल्में बनाने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक नया रास्ता खुलेगा मोनेटाइजेशन का, कि आप थिएटर के साथ साथ इसको OTT पे भी रिलीज
रिलीज करिए और वहाँ भी टिकट लगाइए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि फिल्म देखने का मन रखते हैं लेकिन प्लान नहीं बना पाते या मसरूफियत में कभी इतना वक्त नहीं निकाल पाते कि वो थिएटर जाके देख सकें। तो ऐसे में जब OTT रिलीज होगी फिल्में और वो टिकट दे करके देखेंगे, 3 दिन की वैलिडिटी रहेगी तो वो आराम से उसको देख सकते हैं। और इससे ये भी रहेगा कि जो OTT पे कंटेंट आ रहा है उसको लेकर भी एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ये पता चलेगा कि टिकटों की बिक्री किस तरह से हो रही है और लोगों का रुझान किसी फिल्म को लेकर के किस तरह से होने जा रहा है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो इसको लेकर के एक अच्छी संभावना के तौर पे इसको देख रहे हैं या इसे लेकर के कुछ अच्छी उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन मार्केट के कुछ जानकार हैं जिनको इस पर थोड़ा सा संदेह भी है। देखिए उनका कहना ये है कि भारत में बहुत सारे लोग हैं वो पैसा दे करके कंटेंट देखना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि ये पैसा जो अभी आपसे लिया जा रहा है या शेमारो मी ने अभी 100 रुपये का जो रेट रखा है वो इतना ज़्यादा नहीं है। आप TV पे उस फिल्म को लगा लीजिए, नई फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देख लीजिए। अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं तो 20 रुपये पर हेड पड़ रहा है, तो ये तो बहुत ही मामूली रकम है। लेकिन जो मार्केट के जानने वाले लोग हैं उनको लगता है कि शायद लोग इतना पैसा भी खर्च करने को तैयार ना हो। देखिए जब उनको कोई भी सामग्री अभी फ्री में मिल रही है तो फिर पैसा देने में हो सकता है कि वो थोड़ा हिचकिचाएं। और दूसरी जो समस्या होने वाली है वो ये होने वाली है कि ऑनलाइन पेमेंट को लेकर के एक छोटा सा वर्ग जरूर है जो कि ऑनलाइन कंटेंट को देखता है लेकिन वो इतना टेक्नो सेवी नहीं है, तो हो सकता है कि जो पेमेंट है या फिर टिकट रिडीम करना है उसको लेकर के उनको दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो दोस्तों देखिए अभी तो ये शेमारो मे की तरफ से ही शुरू की गई है। जो बड़े प्लेयर हैं अमेजॉन, नेटफ्लिक्स या दूसरे प्लेटफॉर्म्स, उन्होंने इस तरह से कोई चर्चा नहीं की है। लेकिन 31 तारीख को जब ये फिल्म रिलीज होती है और ये मॉडल सफल रहता है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं वो भी इसमें हाथ आजमाएं। और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिल्म देखने का जो तौर तरीका है, जो ऑनलाइन फिल्म देखने का OTT प्लेटफॉर्म्स पे फिल्म देखने का तौर तरीका है वो भी थोड़ा सा बदल जाए। तो देखिए दोस्तों 31 तारीख को क्या होता है इस पर सबकी निगाह रहेगी। और दोस्तों जब ये चीज़ आती है, इसका कोई रिजल्ट आता है या इसके बारे में कोई अपडेट आता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा ही। दोस्तों अपनी वीडियोस में मैं इसी तरह की नई जानकारियां लेकर के आपके सामने आता रहता हूं, तो आप देखिए मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को पसंद करिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यदि अभी किया है तो बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल भी प्रेस करिएगा। धन्यवाद।